शब्दों में कह सकता हूं, एक झलक इस सरकार ने दिखाई है और उसी एक झलक में इन्हें घबराहट हो गया। इन्हें लगने लगा कि अब मेरी कुर्सी हिलने लगी है। जो एक भेक था कि भाई लोगों को, बच्चों को लगता था कि हर महीने 5,000-7,000 मिलेगा, अभी लगता है कि पूरे साल में 5,000 और 7,000। तो 5,000 में दो आप यदि यहाँ रह करके कोई यदि पढ़ाई करता है या रांची में लेकर के पढ़ाई करता है तो एक महीने का जो उसका खर्च भी आता है किराए का, वो भी 5,000 से ज्यादा होता है। तो 5,000 और 7,000 एक तरह से उनको ठगने का काम, एक तरह से उनको ठगने का काम किया। कृषि आशीर्वाद योजना लोगों की अपनी सोच होती है, समझ होती है। यह किसानों का देश है और किसानों के देश को आगे बढ़ाने के लिए आजादी के बाद से सभी ने, कांग्रेस की सरकार लंबे समय तक राज की है, उन्होंने किसानों को मजबूत करने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई, बड़े बड़े चेक डैम और नहरों का निर्माण करना प्रारंभ किया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो नहर कभी बना नहीं, चाहे पुनासी जल योजना हो, चाहे गोवाई बराज हो, चाहे मंडल योजना हो। ये नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट केंद्र में आने के बाद ही, माननीय मंत्री जी आपका उत्तर में आप बोलिएगा ना, आपका उत्तर होगा, आपका उत्तर में जवाब दीजिएगा। केंद्र ने वो पैसा है, वो सारे पैसे सारे पैसे उस मुद्दे में। अमर बाबू संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं। अमर बाबू संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोलना चाहते, कुछ सूचना है, कुछ सूचना ले लीजिए। अभी जो सूचना है अमर बाबू, अभी जो वाद विवाद चल रहा है, जो बजट कल पेश हुआ है उसी के संदर्भ में। जी जी, अब यहाँ विधायक का मान्यता देना, दल का नेत्री को मान्यता देना, ये बात यहाँ पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बार बार इसी बात को रिपीट किया जाता है। संविधान 10वीं अनुसूची के तहत अगर आप देखें तो विधानसभा में इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए और बार बार उसी बात को उभर कर जा रहा है। इसलिए हम चाहेंगे चर्चा हो, विषय पर चर्चा हो। आप बड़ा कंक्लूड करिए। अरे अमर बाबू को बोलने दीजिए, अमर बाबू को, हम लोगों का, हम लोगों का एक ही डिमांड है। अमर बाबू को बजट कंक्लूड करिए। अमर बाबू, यह बजट को हम लोग तब समर्थन करेंगे, आगे बढ़ेंगे, जब आप सदन नेता के रूप में, प्रतिपक्ष के नेता के रूप में, नहीं होने चाहिए ये संवैधानिक नियम है, कार्रवाई को बाधित, और हम लोग इसका विरोध करते रहेंगे अपने हक अधिकार के लिए। माननीय सदस्य प्रदीप जाधव जी, अध्यक्ष महोदय, मानेंगे तो बोलने नहीं दिया जाता है। आपका बात आ गया, आपने जिस बात को रखा चर्चा होने दीजिए। और बजट पर चर्चा है, बजट में आपका सुझाव लेना है। अमर बाबू आप भी मंत्री रह चुके हैं इस राज्य में। अमर बाबू एक मिनट सुनिए। अमर बाबू, आप 5 साल तक इस राज्य के अंदर में मंत्री रह चुके हैं, मंत्री के गरिमामय आसन पर आप थे। आप बताइए 5-7 दिन टाइम फ्रेम में, और टाइम पीरियड के अंदर में कहीं ऐसा होता है? हम लोग तत्पर है अमर बाबू, आपका पीड़ा आपका व्यथा हम लोग समझ रहे हैं। हम लोग यथाशीघ्र आपका समाधान करेंगे, आप लोग कृपया आसन पर जाइए, आप यथाशीघ्र आप लोगों का हम लोग करेंगे। ये चूंकि कानूनी प्रक्रिया है, समझने का कोशिश करिए भानु बाबू, चूंकि कानूनी प्रक्रिया है और कानूनी प्रक्रिया में कुछ समय लगता है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारे मान्य सदस्य जानते हैं। इसमें थोड़ा कानूनी प्रक्रिया को पूरी होने दीजिए, और आप अगर टाइम फ्रेम कर दीजिएगा आसन को तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए माननीय सदस्य आप लोग अपने आसन पर बैठिए। प्रदीप जाधव जी, अध्यक्ष महोदय,
ने बड़े सुंदर ढंग से अपने विचारों को प्रारंभ किया। मुझे लगा कि थोड़ी इनकी सूझ बेहतर हुई है, लेकिन हमें लगता है एक साजिश के तहत अपनी बातों को खा करके और फिर पूरे विधानसभा को डिस्टर्ब करने का इन्होंने प्रयास किया है। मैं सात शब्दों में कह सकता हूं, एक झलक इस सरकार ने दिखाई है और उसी एक झलक में इन्हें घबराहट हो गया। इन्हें लगने लगा कि अब मेरी कुर्सी हिलने लगी है, इसलिए लोग डर के और कोई इनके पास उपाय नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से गरीबों का बजट, नौजवानों का बजट, बूढ़ों का बजट, आदिवासियों का, दलितों का, पिछड़ों का, किसानों का, नौजवानों का बजट 20 साल में पहली बार किसी सरकार ने रखा है तो हेमंत सरकार ने रखा है। मैं दावे के साथ में कह सकता हूं, वह लगातार प्रयास किया, बहुत सारी योजनाएं केंद्र के साथ समय में बना करके, चाहे सड़क हो, चाहे बिजली का सेक्टर हो, ये सारी योजनाओं को धरातल पर रखने का काम किया। हमारे झारखंड के अंदर जो हमारे 60 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचाने में, 38 लाख परिवार तक बिजली पहुंची थी, 30 लाख परिवारों तक बिजली पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया था, सड़कों की जाल हम लोगों ने बिछाई थी। इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही आज झारखंड का नया रूप, नई रंगत यहाँ देखने को मिलती है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यह झारखंड में पर्यटन की असीम संभावना है और इस संभावनाओं को हम लोग आगे ले जाकर के इसका हम उपयोग करके झारखंड में रोजगार का सृजन भी करेंगे। लेकिन आपको ज्ञात होना चाहिए, सदन को आपके माध्यम से बताना चाहते हैं, 2000 में जब झारखंड का अलग राज्य निर्माण हुआ तब से लेकर 2014 तक कभी भी किसी भी सरकार ने पर्यटन के ऊपर कोई ध्यान या गंभीरता से विचार नहीं किया था, और जिसके कारण न पर्यटन नीति बनी थी न पर्यटन से जुड़े हुए अन्य कार्य किए गए थे। ये हम लोगों की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, जिन्होंने पर्यटन नीति भी बनाई और झारखंड में पर्यटन का जो असीम संभावना है उस संभावनाओं को दुनिया के सामने लाने का काम किया। आज उसका परिणाम है कि पतरातु का रिसोर्ट हो, चाहे नेत्रहाट का वह वादिया हो, आज झारखंड को लोगों पर्यटन के दृष्टि से भी आगे बढ़ाने का काम करते देखना चाहते हैं। इटखोरी हो, चाहे बासुकीनाथ या देवघर बाबागरनाथ, ये सारी चीजें मलूटी से लेकर के हमारा रामरेखा धाम तक, ये सारी चीजें आगे बढ़ रही है। मुझे खुशी हुई जब इस सरकार ने भी इटखोरी महोत्सव को, रजरप्पा महोत्सव को और अन्य महोत्सव को करने का संकल्प लगाते हुए इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। लेकिन पर्यटन में और ज्यादा काम, और ज्यादा उसमें बजट रख करके इसको करने का जरूरत हमको लगता है महसूस की जा रही है। जो अध्यक्ष महोदय, ये सरकार आई उम्मीदों के साथ, लेकिन आते के साथ इस सरकार का इस्तकबाल बुरुलुग अपने चाईबासा के उसे गुंदड़ी प्रखंड में, और गुंदड़ी प्रखंड में 7 आदिवासी भाइयों का, 8 आदिवासी भाइयों का नृशंस हत्या गला काट करके कर दी गई। ऐसी हत्या जो मैं कह सकता हूं कि जो लॉ एंड ऑर्डर, जिसके कारण झारखंड की पहचान सुधर रही थी, ऐसी हत्या जो हम कह सकते हैं कि कहीं देखने को नहीं मिलता, ऐसा तालिबानों को हम लोग सुनते थे कि गर्दन काट करके इतने नृशंस तरीके से यहाँ के आदिवासी जनजाति भाइयों का हम नरसंहार कर देते हैं। आज उसके बाद यहाँ कल की घटना थी, परसों की घटना थी, दिन दहाड़े शाम के 4 बजे मुख्यमंत्री आवास के 1 किलोमीटर के दायरे में दौड़ा करके लोगों को गोली मार करके हत्या कर दी जा रही है। यहाँ गिरिडीह में सरकार बनते के साथ 7 लोगों का जहरीली शराब पी करके, जहरीली शराब पी करके मौत हो जाती है। सारी चीजें, ये किस नियम, ये सारी चीजों ने सरकार को, ये सारी चीजों ने सरकार का इस्तकबाल किया। सरकार बनते के साथ गोमिया में, अमर बाबू गोमिया में दिन दहाड़े, अमर गोमिया में दिन दहाड़े जो अध्यक्ष महोदय, गोमिया में दिन दहाड़े एक मुंशी का जो रोड का ठेकेदारी करता है, उस मुंशी को दिन दहाड़े नक्सलियों ने हत्या कर दी। झुमरा के पहाड़ में जो शांत पड़ा हुआ झुमरा का पहाड़ था, वहां दिन में 700 राउंड फायरिंग होते हैं दिन दहाड़े। आज मनोबल कैसा बढ़ गया है, आज रात में जो पलामू से लेकर के रांची तक सड़कें हमेशा रात में भी आवागमन होता था, आज वहां डर से फिर आवागमन रोक दिया गया है।
झारखंड के विकास के लिए लॉ एंड ऑर्डर को पुख्ता बनाना, इसको रखना ये सबसे पहली प्राथमिकता है। राजनीतिक अपने जो मान्यता है, ये मान्यताओं को ऊंचा रखना ये हम सबकी जिम्मेवारी है। पिछले 4 साल तक हम लोगों ने भी यह दंश झेला है। जब हम सत्ता पक्ष में थे तो अनर्गल रूप से बिना किसी मुद्दे के किस तरह से जो आज सत्तासीन बैठे हुए हमारे विधायक हैं, हम लोगों को रोकने का काम करते थे, किस तरह से सदन को बाधित करने का काम करते थे, किस तरह से सदन के अंदर जूता चलाया गया, किस तरह सदन के अंदर चप्पलें फेंकी गई, किस तरह सदन के अंदर गैस के फुहारे चले गए। हमारे 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 सदस्य डॉक्टर इरफान अंसारी जी यहाँ बैठे हुए, ऐसा करके 4 सालों तक जनता के मुद्दों से अलग हटा करके, अमर बाबू अलग हटा करके इसको बजट पर फोकस डालिए, बजट पर अध्यक्ष महोदय बजट पर फोकस डालिए। आम बजट जो युवाओं के लिए हेमंत की सरकार ने जो एक कमिटमेंट दिया था आम बजट में कि युवाओं को हम लोग बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसे हुआ। माननीय मंत्री जी आप लोगों का भी समय आएगा। माननीय मंत्री जी समय आएगा तो आप भी बोलिएगा, बोल दीजिए। महोदय पहली बार विधायक बने हैं और बहुत शुभकामनाएं, पहली बार मंत्री भी बने हैं। संसदीय प्रणाली से निकले में हम लोगों को 5 साल लगे हैं, आपके भी 5 दिन भी नहीं हुआ है, आप जरूर सीखेंगे। कम से कम आदरणीय मंत्रियों से तो ये जरूर हम लोग आशा करेंगे कि वो अपने इस संसदीय प्रणाली में अपनी बातों को रखे। देखिए मंत्री विपक्ष का भूमिका किस तरह होना चाहिए, पिछले 4 साल में हेमंदा के नेतृत्व में पूरा हम लोग ने बराबर सीख किया है। आप लोगों ने जो सिखाया है उसी का प्रदर्शन यहाँ से वापस कर रहे हैं हम लोग, ये हम लोगों ने सीखा है। मेरा ये कहना था जो बजट आपने पेश किया बेरोजगारों के रोजगार के लिए, रोजगार का आम बजट में कहीं भी कुछ भी ऐसा कोई काम आप इंफ्रास्ट्रक्चर लाएंगे।